हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग चैप्टर टू पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जैसा कि पता था आपको, फ्राइडे को टेस्ट होने वाला था सैटरडे को, बट नहीं ले पाए। तो आज आपकी टेस्ट है, जिसमें आपको देखो यहाँ पे सारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। यानी कि जो फर्स्ट दो क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4th या 3rd, वो जो है 1 मार्क्स का है, बाकी सारा 2 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसलिए टोटल मार्क्स जो है आपका 10 मार्क्स का टेस्ट है। और टाइम 20 मिनट्स है, वो भी कब, जब तक आपकी चलते रहेगी क्लास उसी में 20 मिनट्स की चलेगी। अभी जब हम कराएंगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम 20 मिनट की रखेंगे इसके बाद से। उसके बाद जैसे क्लास खत्म होगा, आपको एक साथ सबको सेंड करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर जो टाइम के बाद जैसे कोई सेंड करेगा तो उसकी भी टेस्ट जो है वैलिड नहीं होगी। यानी कि वैलिड नहीं होगा मीन्स चेक नहीं करेंगे और नंबर इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक सब देखो टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे क्या है नहीं है। ठीक है, किस तरह से टाइम 20 मिनट्स का है आपका करना। हर एक क्वेश्चन पे हम एक बार स्क्रीन पे 1 क्वेश्चन आपको शो होगा और उसके लिए हम टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। ठीक है, जितना 1 मिनट 2 मिनट का जितने का टाइम है आपको हम देंगे, और उसके बाद आपको करना है। जैसे वो क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड कर देंगे फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट था। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, इस तरह से देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर भी रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप करना स्टार्ट करो, आप एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर्स करना क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं। राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 18। यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में पता है आपको 3 मेंबर होता है, 3 नंबर यानी कि होता है, उसमें से वन मेंबर जो है वो 18 है। तो इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा वो आपको लिखना है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन में करना था और किस तरीके से करना था। देखो इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं लिखा हुआ, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे। ठीक है, समझ जाना टाके कितना था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और आप लोग जल्दी से करो। हम टाइम देखो 2:30 हुआ है, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 3:30 पे क्वेश्चन को स्लाइड कर देंगे। ओके, इसलिए बिल्कुल आराम से भी करना है और जल्दी भी करना है ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन डू फास्ट। देखो आई थिंक सबका हो गया होगा। ठीक है, अब आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो ये सारे नंबर से डिवाइड हो। ये भी क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। ठीक है, किस तरीके से करना था। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और टाइम आपके लिए हम 2 मिनट्स करते हैं। 4:30 हुआ, 6:30 पे क्वेश्चंस को हम स्लाइड कर देंगे। ओके, नाउ डू इट।
देखो, तो आई थिंक सबका ये क्वेश्चन होने वाला होगा, ठीक है? और उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन आई थिंक सबका हो गया होगा कि क्या निकालना था, आपको बता रखे हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैट, क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड में देखो है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 4.42.25 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इनकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अब देखो यहाँ पे डिवीजन मेथड लिखा हुआ है तो आप लोग डिवीजन मेथड से ही करोगे, इसके अलावा किसी मेथड से आप लोग यूज नहीं करोगे। ओके, तो जल्दी से आप लोग करो इसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताना। 1 मार्क्स का आंसर है ये, सॉरी 1 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए जल्दी से करो। आई होप कि देखो सबको आ रहा, क्वेश्चन भी सारा कराया हुआ है, ठीक है? इसलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन करने का कोशिश करो। जल्दी करो, आफ्टर 1 मिनट्स हम क्वेश्चंस को स्लाइड कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करना है आपको। देखो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स का हो गया होगा, ठीक है? क्वेश्चंस का जो था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो करना था हो गया होगा, कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। ओके, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालना था डिवीजन मेथड से, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हम एक बार एक्सप्लेन करके बता देते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर बताना है, विच मस्ट बी एडेड, जो इसमें ऐड हो किसमें, 1750 में, यानी कि 1750 में हम वो कौन सा नंबर है जिसे ऐड करेंगे तो वो एक नंबर जो है ना, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये एक जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन नंबर, यानी कि जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है कि क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोला कि 750 अभी तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, इसमें हम क्या ऐड करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और बाद में जब ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हमें वो भी बताना है फाइंड करके। देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, और आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अच्छे से आप लोग करोगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो था वो 2 मार्क्स का था, ठीक है? उससे पहले का क्वेश्चन आपको हम करा रहे बता दिए थे कितने मार्क्स का है, ठीक है? और टाइम जल्दी देखो, 1 मिनट तो हम एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी आपको 2 मिनट और अलग से दे रहे हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम आपको अलग से दे रहे हैं। 9:25 हुआ है, और उसके बाद हम 11:30 पे क्वेश्चंस को चेंज कर देंगे। ओके, इसलिए आपका देखो बगल में टाइम भी है, सेकंड चलते रहिए ताकि आप लोग सही से करते रहो। जल्दी से करो, आपका 1 मिनट्स का और टाइम है।
देखो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हो गया होगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर फाइव करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो दो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में दो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइव लिखना भूल गए, यहाँ पे नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर, ये फाइव है। फाइव का ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, दोनों 1.5 मार्क्स का, डेढ़ डेढ़ नंबर का है, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा फिर, ठीक है। 3 मार्क्स का है, तो इस तरह से आप लोग करो। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में जो था, सबसे पहले ए में है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है, एंगल बी पे 90 डिग्री बना रहा है। एंगल बी पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो उसमें ए सी की वैल्यू गिवेन है, बी सी की वैल्यू गिवेन है, तो ए बी का क्या होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। आई थिंक आप लोग को देखो सबको पता होगा क्योंकि आप थ्योरम यूज करना है इसमें, और किस तरीके से आपको करोगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें राइट एंगल बी पे था, और उसमें एक साइड ए सी जो है वो गिवेन है 13 सेंटीमीटर, और एक साइड बी सी जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देन ए बी की वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। ये था ए में। बी क्वेश्चन में था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालना जिसकी एरिया जो है 75.69 मीटर स्क्वायर है। आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आपको क्या एरिया गिवेन है, एरिया पर स्क्वायर गिवेन है, तो उसकी पेरीमीटर निकालना है आपको, ओके। यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा जब उसका एरिया गिवेन है। ये भी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग जल्दी से करो। जल्दी से करो आप लोग को, 3 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं हम, एक क्योंकि बिकॉज 1.5 मिनट तो आपको एक्सप्लेन करने में भी लग गया। जल्दी करो, 13 हो गए। जल्दी से करो, और 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग करोगे, ठीक है। देखो जल्दी करना है, और थोड़ा ही नहीं कि जल्दी के चक्कर में करना गलत, थोड़ा एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है कि हमें टाइम के लिमिट, टाइम के साथ करना भी है और साथ साथ हमें सही भी करना है। इस तरीके से आपको करना है कुछ कि ताकि सही भी हो और टाइम के अकॉर्डिंग भी करना है, टाइम भी आपके लिए कम नहीं पड़े, ठीक है। ताकि इससे आपकी दोनों चीज़ों की एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और थोड़ा क्वेश्चंस करने का जो स्पीड होगा वो भी आपका क्या होगा बढ़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। इसलिए थोड़ा आसान जल्दी से करो।
आई थिंक देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए और बी पार्ट था दोनों आपका हो गया होगा। ओके सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर जो था 5 का ए और बी पार्ट था वो हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल 53 अपॉन 169। इसे आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट बताना है 4 होल 53 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपका 1 मार्क्स का है। आप लोग जल्दी से करो, आप लोग जल्दी से करो और उसके बाद करके जल्दी। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था 4 होल 53 अपॉन 169 का। देखो तो आई थिंक अब सबका हो गया होगा। अगले 2 मिनट्स में हम आपको जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना करेंगे कि अब सबका टाइम ओवर हो गया, 2 मिनट्स में ही सबको भेजना है सेंड करके। उसके बाद कोई भी भेजेगा तो 4 मिनट 5 मिनट लेट तो आपका क्या हो जाएगा, फिर जो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक देखो आप लोग बिल्कुल अच्छे से टेस्ट किए होंगे और आई होप कि सबका अच्छे मार्क्स आएगा। सो फिर मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।